I'm back. कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत ज्यादा अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही ज्यादा सिंपल है, अच्छा सा है, प्यारा सा है। अब ये मत कहना कि रोज ही आपका तो प्यारा सा होता है। तो दोस्तों, आज जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो मैं आपको बता देता हूँ सबसे पहले टॉपिक के बारे में। एक्चुअली क्या होता है कि एक जमाना था जब हम नोट्स ले लेते हैं, सर ने एक जने को नोट्स दिया और लगे रहते थे कि कब मेरे पास पहले नोट्स आए, कब मेरे पास पहले नोट्स आए, कब उनको राइट करूँ, कब मैं उनको लिखूँ, कब मेरे पास स्टोर करूँ, कैसे जो है बहुत सारे इससे ले लिया, उससे ले लिया, इस तरह से ले लिया, वहां से ले लिया, यहाँ से ले लिया। अब जो है नोट्स के लेन देन का तरीका जो है न्यू आ चुका है, बिल्कुल टेक्निकल आ चुका है। अपने टेक्नोलॉजी का यूज करके नोट्स कैसे ले सकते हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल नोटिफिकेशन को सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब कर दिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, जिससे क्या होगा दोस्तों, आपको हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन या नई सूचना मिलती रहेगी। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि आपको नोट्स के लिए क्या करना होगा। आपको एक ऐप है जो कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का है। माइक्रोसॉफ्ट कितनी ट्रस्टेड कंपनी है ये आप सभी जानते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का ये ऐप है जिसका नाम है ऑफिस लेंस। एक्चुअली ऑफिस लेंस करता क्या है, आप जो अपने नोट्स की जो कॉपी है, ये वाली कॉपी है, इस तरह से फोन लीजिए और फोन लेने के बाद में क्या करना है, आपको उसकी जो तस्वीर ले लेनी है, जो नोट्स आपके हैं उनकी तस्वीर ले लेनी है और उनको अच्छी तरह से क्रॉप करना है, जैसे डॉक्यूमेंट स्कैनर वाला वीडियो आया था ना, उस तरह से जैसे करोगे। तो अब ये ऐप करेगा क्या, आपके जो भी आपने नोट्स जो है कि फोटो ली उसको पीडीएफ, पीएनजी, डीओसी, डॉक्यूमेंटल जो भी टाइप्स होते हैं, जो है पढ़ाई करने के वो तरीके होते हैं, उनमें जो है चेंज कर देगा और आपके नोट्स बिल्कुल सेफली रहेंगे। अब एक्चुअली कुछ लोग कहते हैं कि पीडीएफ में कन्वर्ट करने से क्या होगा, मैं तो फोटो देख के काम कर लूंगा। एक्चुअली क्या होते हैं, फोटोज वाली फाइलें बढ़ती तो साथ ही है, लेकिन ये जो है करप्ट जल्दी हो जाती है। करप्ट होने के साथ जो अपनी शुद्धता पर जो इनका ध्यान नहीं होता है। दूसरी चीज होती है, यदि आप इनका प्रिंट निकलवाते हैं तो पीडीएफ फाइल से जो प्रिंट आता है बिल्कुल फिक्स साइज में आता है, बिल्कुल सही पेज पर आता है, वो जो आपके अक्षर है वो जो है बिल्कुल सही टाइप हो गए आते हैं, मिटनते वगैरह जल्दी नहीं है, वो तो शहर पर डिपेंड करता है, सॉरी, जो आपके अक्षर आते हैं बिल्कुल, मतलब अपने अलाइनमेंट जो आप जानते हो माइक्रोसॉफ्ट जानते हो, तो अपने अलाइनमेंट से बिल्कुल हटते नहीं है उसके जरिए, क्योंकि वो अपने एक फिक्स रेंज दे चुका होता है पीडीएफ में कन्वर्ट करते ही, और फिक्स रेंज देते ही जो आपका डॉक्यूमेंट है बिल्कुल सही निकल कर आता है। इसलिए जितने भी डॉक्यूमेंट है कंपनी के हो, नोट्स के हो, जो भी डॉक्यूमेंट है पीडीएफ फाइल में सेव होते हैं, ताकि उनके जो है अपनी जो फिक्स अलाइनमेंट है उसी अलाइनमेंट में बना रहे, इधर ना किसके, उधर ना किसके, ऊपर ना किसके, नीचे ना किसके, या फिर उनके पास उनके ऊपर डबल लाइन्स वगैरह एरर वगैरह नहीं आए। इसीलिए जो है ये ऐप है बहुत ही जो है यूजफुल ऐप है, लेन देन का बहुत अच्छा तरीका है और स्टूडेंट्स के लिए काफी बेहतर है, और जो है बहुत ही आसान तरीका है और बहुत ही इजी जो है प्रोसेस है, लेकिन आपको करना तो खुद ही होगा, खुद ही फोटो को जो है आपको खींचना होगा। अब एक्चुअली आप जो खुद सोचो कि यार ऐसे के कौन करे इतना काम, तो भैया काम तो करना होगा, ऐसे काम नहीं चलने वाला। तो आप जो है इस ऐप के थ्रू आसानी से जो अपने नोट्स जो है तैयार कर सकते हैं, लोगों को भेज सकते हैं। टेक्नोलॉजी का यूज लीजिए, अपने फोन को अपना गुलाम बनाकर रखिए। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ये वीडियो कैसा लगा हो कमेंट बुक करके जरूर बताइए, अपने दिल की प्यारी प्यारी बातें कमेंट बॉक्स में करना ना भूल, लिखना ना भूले। यदि और भी टेक्निकल से रिलेटेड आपको कुछ जानना है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, और उसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आ जाऊंगा। तो चलिए दोस्तों, मैं शंकर आपसे फिर मुलाकात करूंगा एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। गुड बाय, हैव अ नाइस डे।